हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा के स्पेशल सेगमेंट योर लाइफ योर स्टोरी में। जिस तरह हमारे लाइफ में हेल्थ का इम्पोर्टेंस है, उसी तरह हेल्थ केयर का भी इम्पोर्टेंस है, और उससे भी ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, चलिए मिलते हैं बिना देर के उनसे, हर्षमित अरोरा जी से। जिसको जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है, तो उसके लिए शॉर्ट टाइम में हम कैसे काम करें। 80 उनका वेट था, एक का और एक का 200 था। 2 महीने के अंदर 25 से 30 किलो सिर्फ और सिर्फ डाइट से। लोग दो दो ढाई ढाई घंटे आप देखते होंगे जिम में लगाते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करने से हार्ट फेल हो, लेकिन एक टाइम पे बॉडी को शॉकिंग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षमित जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हमने सुना है आप डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशन भी, मल्टी टैलेंटेड है। आप इतने लोगों का ख्याल रखते हैं, क्या खुद के लिए वक्त मिलता है अपने हेल्थ के लिए, केयर के लिए? वक्त हमें निकालना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा दिन हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी होते हैं उनकी हेल्थ कंडीशंस पे ध्यान रखते हुए। तो ऑब्वियसली अगर हम अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो हम अपनी भी हेल्थ जो है ख़राब कर लेंगे। तो टाइम तो निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी आपका कुछ लगाव है? क्योंकि आजकल अगर ग्लैमरस वर्ल्ड की बात करें हम, तो ग्लैमरस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं। राइट। क्या डाइटिशियन, एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन भी होते हैं, एक साधारण डाइटिशियन भी होते हैं? बिल्कुल। तो क्या आप दोनों में फ़र्क होता है क्या? एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन की बात करूँ या एक साधारण डाइटिशियन न्यूट्रिशन की, क्या फ़र्क होता है दोनों में? सर फ़र्क कुछ नहीं है, डाइटिशियन ही न्यूट्रिशन डॉक्टर ही होते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो डाइटिशियंस सेलिब्रिटीज़ के साथ स्पॉन्सर्ड होते हैं, जैसे मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं, उन्हें हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल ऐसा होता है कि उनके अकॉर्डिंग हमें डाइट प्लान्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, उनकी कैलोरी डिसाइड करनी है। समटाइम्स कुछ जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका ऑलरेडी BMI के अकॉर्डिंग वेट होता है, लेकिन कहीं फेस फैट है या शूटिंग के टाइम पर उनके आर्म फैट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान उनका डिस्कस करना होता है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उनको जीरो फिगर चाहिए और नॉर्मल इंसान के लिए सिर्फ एक BMI पे आना, इट्स नॉर्मल थिंग। सो बस इतना सा फ़र्क है कि उनकी डाइट प्लान हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर से बनाना पड़ता है, उनको टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और नॉर्मल के लिए अगर हम जैसे किसी को 8 से 10 किलो भी अगर कम करना है तो उसको हम नॉर्मली करा सकते हैं महीने के अंदर, टारगेट हमारे पास नहीं होते हैं उसके लिए। तो ये बेसिकली फ़र्क रहता है सेलिब्रिटीज़ के बीच में और एक नॉर्मल इंसान के बीच में। वेट लॉस को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं आज के डेट में लोग, राइट? क्या ये डाइट जो होता है, डाइट हो या न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, तो क्या वर्कआउट को रिप्लेस कर सकता है डाइट? वर्कआउट को रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, बट मैं ये कहूँगी कि अगर जैसे हम डाइट कर रहे हैं, तो जो लोग दो दो ढाई ढाई घंटे आप देखते होंगे जिम में लगाते हैं, जुम्बा क्लासेस में लगाते हैं, एज अ डॉक्टर वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे हार्ट के लिए अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आपने सुना होगा जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हार्ट फेल हो गया। तो हमें बेसिकली क्या होता है, जब हम डाइट कर रहे हैं, हमारी डाइट कंट्रोल पोर्शन चल रहा है, या हम कैलोरी बेस्ड डाइट कर रहे हैं, या अपने BMI से एक डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट है, वेट है, एज है, उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान ले रहे हैं, तो 30 से 40 मिनट्स का जो वर्कआउट है वो इनफ रहता है पूरे दिन में। तो ऐसा नहीं कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, हाँ दोनों को साथ साथ चलाओगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन एक टाइम पर बॉडी को शॉकिंग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ताकि वेट स्टक ना करे। तो उस केस में हम कहते हैं कि 10 से 15 डेज या मंथ के लिए आप अगर एक्सरसाइज स्किप भी कर दोगे तो भी वेट लॉस और इंच लॉस आएगा ही आएगा, अगर डाइट आप कंट्रोल कर रहे हैं तो। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए कि क्या क्या एक्सपर्टीज हैं आपकी। वैसे मैं बेसिकली डील करती हूँ क्लाइंट्स को वेट लॉस करने में, इंच लॉस करने में, स्किन केयर, हेल्थ केयर, आपका हेयर केयर हो गया, उस चीज़ में हम लोग ज़्यादा अभी क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं हमारे पास जिनके पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है अपने लिए डाइट करने का, तो किस तरीके से वो बिना डाइट करे पतले हो जाएं और जल्दी कम समय में जल्दी वेट लॉस कर ले। क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं शादियों का टाइम आ रहा है, या कोई हमारा जैसे सेलिब्रिटी की हम बात करें, किसी का मॉडलिंग कॉन्सर्ट है, या कोई MLA है जिसको जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है, तो उसके लिए शॉर्ट टाइम में हम कैसे काम कर सकते हैं, उस चीज़ में अभी हम थोड़ा सा डील कर रहे हैं। जैसे कि छोटी छोटी अगर मैं बात करूँ हर्ब्स के बारे में, अगर हम प्लांट्स के बारे में, जो कि लोगों को जल्दी नॉलेज नहीं है, लोगों को लगता है कि वो लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, उस चीज में भी हम वर्क करके उनका वेट लॉस छोटे टाइम में हेल्दी वे में कराना चाहते हैं। अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है, कि लगा हो कि मैं अगर इस करियर में मतलब इस फील्ड में अपना करियर बनाई हूँ, तो ये अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो, कोई ऐसा पेशेंट डीलिंग
या कोई ऐसी चीज़ें अचीवमेंट्स कुछ? चैलेंजेस तो सर हमारे लिए भी आते हैं ऑब्वियसली, हम लेते हैं क्लाइंट्स तो हमें लगता है, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा सर्जरी का बहुत चलन चल गया है वेट लॉस के लिए, तो कुछ क्लाइंट्स का वेट जो होता है हाइट के अकॉर्डिंग जैसे 180 kgs है, हमें भी लगता है कि उस क्लाइंट को हम ले तो रहे हैं कि वेट लॉस होगा नहीं होगा, तो आई हैव 3 clients एंड दे आर चैलेंजिंग फॉर मी, 180 उनका वेट था एक का और एक का 200 था, तो आई थॉट कि लेट सी करते हैं होगा कि नहीं। आफ्टर 2 months आई गॉट दी कॉल फ्रॉम देम, दे आर फ्रॉम साउथ, उन्होंने 2 महीने के अंदर 25 से 30 kilo सिर्फ और सिर्फ डाइट से किया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरी डाइट उन पर वर्क की, जबकि उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत थे, उनको कार्डियक इश्यूज़ भी बहुत थे, उनका थायराइड भी बढ़ा हुआ था, सो उनकी अभी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। सो और कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे आप सुनते होंगे लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं पर ओवरवेट की वजह से नहीं कर पाती हैं, सो उस केस में भी जैसे हम डाइट देते हैं तो हमें थोड़े दिन में पता चलता है कि उन्होंने नेचुरली कंसीव कर लिया, जहाँ पे चांसेस बिल्कुल जीरो थे। तो मैं कहूँगी मेरे लिए वो अचीवमेंट है, अगर मेरा क्लाइंट खुश है, उसको नॉर्मली हर चीज़ अचीव हो रही है, हेल्थ इश्यूज उसके ख़त्म हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप कितना अच्छा भी काम करते हैं, मैंने देखा ये चीज़ कि कुछ ना कुछ कहीं चूक हो जाती है। बिल्कुल, जैसे गूगल रिव्यूज़ की बात करो तो आपके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स होंगे लेकिन कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ ही आ जाते हैं। बिल्कुल, उसको कैसे डील करते हैं आप, किस तरीके से टैकल करते हैं? सर कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आजकल जैसे यंग जनरेशन है, अगर उसने कहीं हमें देखा, पेज कहीं हमारा फॉलो किया या हमारे क्लिनिक पर भी विजिट किया और गूगल पर अगर आपका एक भी रिव्यू खराब है तो ऑब्वियसली वो पूछता है कि मैम ये गूगल रिव्यू आपका क्यों खराब है। कई बार कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो नहीं फॉलो कर पाते हैं, गलती उनकी भी होती है, कुछ एंड पे शायद हमारी भी हो सकती है, तो वो वहाँ पर जाके फ्रस्ट्रेशन, ऑब्वियसली किसी को भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, वो कर सकते हैं। कुछ हमारे जैसे आप कह सकते हो इस फील्ड को कहना नहीं चाहिए बट बिजनेस कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो करवाते हैं, तो उस वजह से भी कई बार नेगेटिव रिव्यूज़ खराब होते हैं, लेकिन अगर आप क्लाइंट को सामने बैठ के समझाओ हर चीज़ दिखाओ तो आई थिंक क्लाइंट 90% मान जाते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि क्लाइंट्स आपसे डील नहीं करते, डेफिनेटली वो आपसे डील करते हैं। मेरे केस में ऐसा है कि 90% वही क्लाइंट्स आगे जाके मुझे अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। इन नेगेटिव रिव्यू का रीज़न क्या होता है मोस्टली, क्या इशू आपने अभी तक फेस किया होगा? बहुत बार हमने भी देखा अगर किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है हमें, हाँ जी, तो हम देखते हैं कुछ अगर डॉक्टर के आने में डिले भी होता है उसकी वजह से भी वो नेगेटिव रिव्यूज़ डालते हैं। ट्रू, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर भी वो लोग ऐसे करते हैं। बिल्कुल होता है, क्या होता है कि एक्चुअली हमारा जो फील्ड है सर, हमें उसमें छुट्टी का तो सेंस नहीं बनता है, बट जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके इंडिया टाइम जोन से उनका कनाडा का टाइम जोन अलग रहता है, तो जैसे हम 3 बजे 4 बजे भी अगर काम कर रहे हैं और सुबह अगर हम 1 मिनट के लिए भी लेट हैं तो कई बार क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड इतना हो जाता है कि मैंने पैसे दिए तो पहले आंसर मुझे चाहिए, आप चाहे उसके साथ डील कर रहे हो लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिव्यू में शो कर देता है। अगर आप कोई सामान उनको भेज रहे हो, जैसे मैंने बात की भी स्किन केयर की, अगर हम कोई क्रीम भेज रहे हैं कोरियर 2 दिन का भी डिले है, चाहे उसको 2 दिन बाद मिल जाए, रिजल्ट अच्छे मिल जाए, तो उस वजह से भी कई बार क्लाइंट फ्रस्ट्रेटेड होकर या कोई डिप्रेशन में है, एनजाइटी में, जिसकी शादी है, उस वजह से भी नेगेटिव रिव्यूज़ कर देते हैं। बट ये सब तो सर चलता है, अगर आपका काम अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी, रिजल्ट अच्छे हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है लाइफ में। आपने पीके मूवी देखी है? हाँ जी बिल्कुल। उसमें आमिर खान का एक डायलॉग आपने देखा होगा कि कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है वो भगवान है, किसकी माने किसकी सुने, राइट? सेम यहाँ भी लागू होता है, लोग यहाँ भी डाइटिशियन है वहाँ भी डाइटिशियन है, लोग किसको माने किसको फॉलो करें, कौन सही कौन गलत? मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई गलत है कोई सही है, बट द थिंग इज़ दैट अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हो, जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं या कोई भी नॉर्मल इंसान कि मैंने ये करके वेट लॉस किया है तो आप भी ये करो, लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है लेमन इंसान जो है जिसको नहीं पता कि उसके शरीर में क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है, अगर वो किसी की कहे पे कर ले और उसकी मेडिकल कंडीशंस डिफरेंट है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में जाके उसको साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं। तो डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट गलत नहीं होती हैं, बात सिर्फ इतनी है कि WHO और RDA के हिसाब से अगर डॉक्टर आपको कुछ रिकमेंड कर रहा है तो आपको उसी के पास जाकर ही अपनी बॉडी का फुल चेकअप लेना चाहिए, ना कि डिप्लोमा होल्डर्स या जिम ट्रेनर्स के पास जाके या किसी की सुन के हम करें। सो अगर मैं कहूँ कि ये सही है वो गलत है तो ये नहीं, सब अपने फील्ड में सब एक्सपर्ट हैं। अब आते हैं डे प्लान पे कि एक हेल्दी पर्सन रहने के लिए सुबह क्या चीज़ों से स्टार्ट करें, ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए, आप क्या रेकमेंड करते हैं? वैसे अगर मैं बात करूँ हेल्दी लाइफस्टाइल की तो सबसे पहले सुबह उठ के जैसे हम इंडियंस को स्पेशली आदत होती है चाय पीने की, तो हमें सबसे पहले पानी का इंटेक ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है जो हम रात को सो रहे हैं जो भी एंजाइम्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे जाती है, यूरिन पास होता है उसमें जितने टॉक्सिक्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। फिर जैसे आपने सुना होगा कि ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह करना चाहिए, लंच जो है नॉर्मल इंसान
की तरह करना चाहिए और डिनर हमें जो है एक भिखारी की तरह करना चाहिए, जबकि मेरा कहना ये है जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो हर वक्त सब कुछ खा रहे हैं, यहाँ तक कि रात को अगर पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं तो उसको आपने कैलोरीज को मैनेज कैसे करना है वो अगर आपको आ गया तो आप रात को समोसा खाकर भी सोओगे तो वेट आपका गेन नहीं होगा। इन शॉर्ट जो आप खा रहे हो उसको आपको पचाना और ख़त्म करना आना चाहिए शरीर से। ओके, हर चीज़ का प्रोसेस है ये? बिल्कुल, हर चीज़ का प्रोसेस है। जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, अगर वो कैलोरीज सपोज एक छोटे बच्चे को भी आजकल गूगल करके पता चल जाता है अगर मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ तो उसमें मैंने कितनी कैलोरीज ली है, उसको अगर बर्न करना आपको आ जाएगा तो आप कुछ भी कभी भी किसी भी टाइम पे खाओगे आप मोटे नहीं हो सकते। Okay. ये सुपर फूड हमने सुना, ये सुपर फूड क्या होता है? सुपर फूड एक मार्केट में नया टेक्निक आया, बेसिकली इट्स अ हेल्दी फूड, हम डॉक्टर्स उसको नहीं बोलते हैं, अगर आपको कुछ बेचना है ये बेचने की एक टेक्निक है वो वही हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल, तो उसी को हमने एक छोटे सी लैंग्वेज में सुपर फूड बोल दिया। ओके, आपने इस फील्ड को क्यों चुना, क्या आपके फैमिली से भी कोई थे या अचानक इत्तेफाक या प्लान या बचपन से ऐसा कुछ? नहीं, मेरी फैमिली में से कोई भी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, मेरा हमेशा से प्रोस्पेक्टिव रहा क्योंकि मैंने बहुत से ओबीज लोग देखे। आजकल जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में मोटी लड़कियों को बहुत बॉडी शेमिंग किया जाता है, शादी नहीं होती है, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं, बचपन से मुझे था कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिसमें किसी को कम मेहनत करनी पड़े। और जैसे डाइटिशियंस के साथ एक चीज़ होती है कि आप डाइटिशियन हमें भूखा मारोगे पक्का, तो मेरे दिमाग में था कि पहले लोगों के दिमाग से ये मिथ निकाली जाए कि भूखा रह के ही वेट लॉस नहीं होता है, रोटी सब्जी स्पेशली मेरे पास क्लाइंट बोलते हैं मैम चाय तो नहीं रोकोगे, तो आप सब कुछ खाएंगे तब भी आप लॉस करेंगे, तो इसलिए मेरा मोटिव था कि मैं इस लाइन में आऊँ। आजकल एजिंग को लेके बहुत कॉन्शियस है लोग, राइट, 60 होने के बाद भी 30 के दिखना चाहते हैं, क्या ये संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, टेंशन फ्री हो तो आपके चेहरे पे नज़र नहीं आएगा। मेरे पास काफ़ी ऐसी क्लाइंट्स हैं जिनको मुझे भी लगा था कि 25-30 एज होगी लेकिन उनके बच्चे शादीशुदा हैं, कनाडा सेटल्ड हैं और उनकी स्किन इतनी ग्लो करती है कि आप कह नहीं सकते कि उनकी एज 65 है। ये सब आपके मेंटल हेल्थ से और आपके पेट से जुड़ा है। ये एक हेल्दी लाइफ, ये क्या सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल में ये फूड के ऊपर ही होता है कि माइंड से भी कुछ कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है माइंड से कनेक्शन। अब एक छोटी सी बात है, अगर हम सपोज हमारी लाइफ में कुछ खराब चल रहा है, हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप ये वाला पत्थर पहनो आप ठीक हो जाओगे, आप दो दिन पहनोगे आपको लगेगा हाँ यार मेरे को फर्क पड़ रहा है, बट द थिंग इज दैट सब कुछ साइकोलॉजिकली है, क्यों, क्योंकि हमने वो चीज़ पहन ली है, अब हमें पता है हमने ये चीज़ पहनी है तो हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, सारा गेम यहाँ से चलता है, तो वो सब चीज़ें आपके माइंड गेम से चलती हैं। फास्टिंग को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और मंथ में कितनी फास्टिंग नॉर्मल मानी जाती है? फास्टिंग एक, अगर मैं एक लेवल पे बोलूँ, कुछ क्लाइंट्स के लिए अच्छी भी है और कुछ क्लाइंट्स के लिए बुरी भी है। जैसे जिसको डायबिटीज़ है, थायराइड, अगर वो फास्टिंग पे जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कीटो इंटरमिट फास्टिंग, तो उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, थायराइड लेवल ख़राब हो जाता है, तो उस वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट या ऑर्गन फेलियर का इफेक्ट आ सकता है। वैसे अगर जैसे नवरात्रि में हम व्रत रखते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे जाती है, वो हमारी बॉडी के लिए प्रोसेस अच्छा है, लेकिन अगर हमारी हेल्थ कंडीशन ठीक है तो। हमने सुना आपने कुछ ब्रांड कंपनी भी लॉन्च किया है, क्या रीज़न था उसे स्टार्ट करने के पीछे? सर उसका रीज़न वही था मेन, जो हर्ब से हम लोग करना चाहते हैं, आपने सुना होगा आजकल प्रोटीन शेक्स बहुत चल पड़े हैं, मेडिसिंस बहुत चल पड़ी हैं, तो क्या होता है जैसे कि कोई शेक है मील रिप्लेसमेंट कि आपने सिर्फ एक ग्लास ये पी लेना है उसके बाद खाना नहीं खाना है, नो डाउट उसमें आपका एक महीने में 25-30 किलो वेट कम होता है, लेकिन बाउंस बैक का क्या, आप जब दोबारा, आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ शेक्स पे नहीं रह सकते, आप अगर दोबारा खाओगे तो डबल की रेशियो में वो आपका वेट जो है बाउंस बैक करता है। तो हमारी कंपनी ने जो हर्ब्स अभी लॉन्च किए हैं उसमें हम कभी भी एक क्लाइंट को नहीं कहते कि आप भूखा रहो और करो, उसमें हम कहते हैं कि सिर्फ आप ये हर्ब्स लो और साथ में आप अपना प्रॉपर खाओ ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो आइदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वीटिंग, तो वही एक रीज़न था कि हम क्लाइंट्स को गाइड कर पाए कि हर चीज़ जो हम दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जिनका प्लान पहले से नहीं होता करियर प्लान, लेकिन लोगों को देख के वो इंस्पायर होते हैं कि हाँ ये भी एक करियर है, हाँ जी। तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या ये ब्राइट फ्यूचर है इस फील्ड में? बिल्कुल है, अगर आप इसको दूसरों की हेल्प के लिए यूज़ करो, अगर बिजनेस के लिए यूज़ करो तो दिस इज डिफरेंट थिंग। सप्लीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है, क्या आप रिकमेंड करते हैं लोगों को? मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि आप अगर सपोज मेरा ब्रदर अगर किसी जिम में जा रहा है उसको बोला गया कि बॉडी बनानी है आप हेल्थ शेक्स ले लो या प्रोटीन शेक ले लो, मेडिकल टेस्ट कराना हमारे इंडियंस की नॉर्मल लाइफ में नहीं है, किसी को पता है कि हाँ हर 3 महीने या 6 महीने में एक रूटीन चेकअप होना चाहिए, सपोज किसी ने नहीं करा रहा उसने ले लिया
उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन लेवल ज़्यादा है और प्रोटीन का जो पोर्शन हम लेते हैं वो सीधा इफेक्ट करता है हमारी किडनी पे, तो उसमें किडनी स्टोन्स, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपको चाहिए, चाहे प्रोटीन है चाहे फाइबर है, वो आप खाने से लें, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आपने जैसा अभी कुछ देर पहले बताया कि इस फील्ड को आप बिजनेस की तरह ना लें तो बेहतर है, क्या बिजनेस से हट के आपने कुछ, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सब हर कोई पैसा वाला नहीं है, लेकिन एक शौक कोई भी पाल सकता है कि मुझे फिट रहना है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते न्यूट्रिशन डाइटिशियन को, तो क्या उनके लिए आप कुछ सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं सर, अगर कोई ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है लेकिन उसको पतले होना है, तो वो अगर बेसिक छोटे से हमारे टिप्स भी अगर फॉलो करता है तो मंथ के अंदर ज़्यादा नहीं तो 6 to 7 kg वो भी लूज़ कर सकता है। आजकल यूथ में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं, True. तो वो क्या रीज़न है, कैसे उनसे बचा जाए? बेसिकली सारा रीज़न हमारा जो है हेल्थ पे है, हमारा लाइफस्टाइल पे है, फूडिंग पे है। अगर हम लोग ज़्यादा बाहर का मैदा जैसे खा लेते हैं, या ओबीज का जिनको स्पेशली प्रॉब्लम होता है, तो आपने देखा होगा डायबिटीज़ टाइप 2 आजकल ज़्यादा यंगस्टर्स में देखी जाती है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा वेट अगर गेंड अप है, हम खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, गैप ज़्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस है, स्टडीज़ का स्ट्रेस है, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, उसी वजह से जो है आजकल डायबिटीज़, बीपी, स्पेशली यंग गर्ल्स में PCOS का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। कभी कोई चैलेंज आपने फेस किया जब लगा हो, मतलब माइंड नेगेटिव हो जाता है कुछ, जैसे आपने अपनी अचीवमेंट्स बताई कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी मिले जहाँ लगा चलो कुछ तो अच्छा किया मैंने, right, कुछ नेगेटिव भी होते हैं आप? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल प्रेशर होता है सर। जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है और वो मुझे बोलता है कि मुझे मेरी शादी है, मुझे 1 महीने में 8 kg कम करना है, एंड वी से कि ओके नो मेडिकल कंडीशंस यू कैन डू इट, बट अगर 5 दिन 6 दिन 10 दिन में 1 kg का भी रिडक्शन नहीं आता है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग और थोड़ा स्ट्रेस हमें भी होता है कि आखिर क्यों, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं कि हम उसे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमारे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आगे का क्या, आप बिजनेस को किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? आप जो ब्रांड आपने लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने डिटेलिंग में नहीं बताया, विजन मैं पूछ रहा था। HGL का जो ब्रांड है जिसमें हमने अभी स्पेशल एक वाइन, नाम है वाइन, वाइन नहीं है, नॉन अल्कोहलिक है। ब्रांड का नाम है वाइन या प्रोडक्ट? नहीं, प्रोडक्ट हमारा, ब्रांड का नाम HGL है और प्रोडक्ट हमारे, हमने एक नया लॉन्च किया है वो है वाइन, सिर्फ नाम हमने वाइन दिया है, वो जूस ही। आजकल आपने देखा होगा पार्टीज हर बंदा करना चाहता है और उसमें अल्कोहल भी लेना चाहता है और वेट गेन नहीं करना चाहता, तो वो स्पेशल HGL की जो वाइन हमने लॉन्च करी है उसको रिप्लेस किया है कि आप वो ले भी सकते हैं, आपको टेस्ट भी मिलेगा और आपकी कैलोरी भी काउंट रहेगी और आपका वेट भी गेन नहीं होगा। मीन्स आप टेस्ट में भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और आप अपने मन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और अपना वेट लॉस भी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमने कुछ लॉन्च किए हैं जो बिल्कुल नॉन अल्कोहलिक हैं या नॉन केमिकल फेस्ड हैं या फिर उसमें हमने किसी भी तरह का स्टीरॉयड या केमिकल यूज़ नहीं किया है। तो आने वाले टाइम में हम यही चाहते हैं कि जो भी क्लाइंट इसको ले उसको कोई भी साइड इफेक्ट का कहीं से भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके रश्मित जी, कुछ यूथ के लिए मैसेज आपका, आपको देख के उस फील्ड में आना चाहते हैं, कैसे वो अपने करियर की शुरुआत करें? करियर की शुरुआत सर यही है कि अगर 12th के बाद आप न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो BSc आपको करना है, उसके बाद अपना आपको डाइटिशियन का जो कोर्स है हमारा उसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको कैलोरी काउंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, स्पेशली RDA का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो आपको आपके टीचर्स गाइड करेंगे, तो उसके बाद आप अच्छा डाइटिशियन डेफिनेटली बन सकते हैं। और हाँ, इस लाइन में आपको पेशेंस ज़रूर रखने पड़ते हैं क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि जो क्लाइंट पतला होने आता है वो चिड़चिड़ा ज़रूर होगा क्योंकि उसको वेट लॉस करना है, तो पेशेंस, हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे बेस्ट रहेगा। आपके ब्रांड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।